हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो हमारा 11 का टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, स्टेप सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था आर्किबैक्टीरिया, और आज के वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो कल मैंने पढ़ाया था आपको आर्किबैक्टीरिया, जो मोस्ट प्रिमिटिव है, और उससे थोड़े एडवांस है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया जो है, दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। एंड सेल वॉल इज, दे हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। उनकी जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन मैंने पहले ही बता दिया था, इट इज़ पॉलीमर ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स। तो जो यू बैक्टीरिया है, उन्हें ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। दे फाउंड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। दे फाउंड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, मतलब वो, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दोनों भी है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉप्स, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक। सो ऑटोट्रॉप्स मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कीमोसिंथेटिक मतलब वो कीमोसिंथेसिस करते। फोटोसिंथेसिस करते मतलब जो ऑटोट्रॉप्स है वो लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करते, या फिर लाइट एनर्जी से उनका फूड सिंथेसिस करते। उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, नंबर वन, क्लोरोबियम एंड क्रोमेटियम। क्लोरोबियम एंड दूसरे है क्रोमेटियम। तो ये दोनों भी जो बैक्टीरिया है, ये दोनों भी बैक्टीरिया, क्लोरोबियम एंड क्रोमेटियम, ये दोनों भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते। तो उनका जो, उन्हें क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया कौन से है? तो कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, वो सल्फर बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करते हैं, और कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस, कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं। मतलब वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन, सॉरी, जो केमिकल का जो ऑक्सीडेशन होता है, केमिकल के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन वो फूड बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कीमोसिंथेटिक कौन से है? सल्फर बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक कौन से बैक्टीरिया है? तो फोटोसिंथेटिक है क्लोरोबियम एंड क्रोमेटियम। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, तो ये मल्टीसेलुलर
कैसे होते हैं ये? मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस एंड एक्वेटिक। ये जो यू बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं इसमें से एक फॉर्म है, तो वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। और उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये चार प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं बैक्टीरिया में, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड एक्वेटिक। मतलब मल्टीसेलुलर है, उनका जो फॉर्म है वो फिलामेंटस है, फिलामेंट के जैसे है, और एक्वेटिक मतलब वो पानी में रहते, फोटोसिंथेसिस करते तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए उनमें, तो उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, तो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक। मतलब जैसे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वैसा ही डीएनए, बिल्कुल सिंपल, सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ऐसा डीएनए इनमें होता है मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड एक्वेटिक फॉर्म्स में। तो इसलिए इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया है, मल्टीसेलुलर है फिर भी। तो ये मैं डायग्राम बना के यहाँ पर बताती, देखिए ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म कैसा होता है। ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ। तो ये है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म। सो फिलामेंट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये जो फिलामेंट है इसके ऊपर ये एक म्यूसिलेज का शीथ है जो स्लिमी होता है, दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ। तो इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ। एंड फिलामेंट शो हेटेरोसिस्ट। फिलामेंट में कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद एक स्पेशलाइज सेल होती है, दैट सेल, लिसन हियर, दिस सेल इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। इस सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और जो फिलामेंट शो हेटेरोसिस्ट। एंड जो हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट का काम है, हेटेरोसिस्ट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 10th में पढ़ा है सभी लोगों ने। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जैसे जो एनवायरनमेंट है उसमें 78% नाइट्रोजन है, मतलब बहुत एबंडेंट है नाइट्रोजन, फिर भी प्लांट उस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, और प्लांट को तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। तो प्लांट सिर्फ जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं सॉइल में, सो उसी नाइट्रोजन कंपाउंड्स का प्लांट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
इनटू इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन नाइट्रोजन के कंपाउंड में करना दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो मैंने ये निकाला है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, हाँ ये जो इसे बोलते हैं ये नॉस्टॉक है, क्या है इसका नाम, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। तो जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन अल्गी साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया भी किस में आते, यू बैक्टीरिया में ही आते, यू बैक्टीरिया का एक ग्रुप है ये साइनोबैक्टीरिया, जिसमें मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एंड एक्वेटिक फॉर्म होते हैं। देन फिलामेंट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीट, फिलामेंट शो हेटेरोसिस्ट एंड दिस हेटेरोसिस्ट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये फिलामेंट क्या है, फिलामेंट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस शीट। तो ये ऐसा जो बैक्टीरिया है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एंड एक्वेटिक, तो ये नॉस्टॉक ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक को किस ग्रुप में डाला गया, पानी में रहता है इसलिए इसे बोलते अल्गी, और ये फोटोसिंथेसिस करता है, पानी में रहने के बाद फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेटिक हो गया, और इट इज़ कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। उसको बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया बोलते क्योंकि वो उसकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो सेल है प्रोकैरियोटिक, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। इसके बाद ये हो गया एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का, मैंने आज अब बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया में दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स आर मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में वो होते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको अबंडेंट। और ये एनारोब्स है, एनारोब्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोब्स मतलब उनका जो रेस्पिरेशन है वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मदद से करता है दैट इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और ये जो बैक्टीरिया है ये तो प्रोकैरियोट है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, तो इसलिए उनका मोड ऑफ जो उनका रेस्पिरेशन है वो है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एनारोब्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले को क्या बोलेंगे, एनारोब्स या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया, दे रेस्पायर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक बैक्टीरिया हम एक एक पढ़ेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो है नंबर वन, वो हेल्प इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब लैक्टो बैसिलाई। ये लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया जो
कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दही बनाने में, दही दूध का दही बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन से बैक्टीरिया से होता है? लैक्टोबैसिलस। नंबर टू है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया है वो है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर सॉइल में रहते हैं, और सॉइल में अजोटोबैक्टर क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन नाइट्रोजन के कंपाउंड में कर दे, और इस तरह से जमीन को, सॉइल को नाइट्रोजन के कंपाउंड से भरपूर बना देते हैं, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में रिच करते, बढ़ाते। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल। नंबर थर्ड है बैक्टीरिया हेल्प्स इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। जिस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनता है, ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनता है। तो इसलिए ये, एंड नंबर चार है बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन। जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स। इसके बाद ये बैक्टीरिया डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल का भी डिग्रेडेशन करते, दैट बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल। तो इस तरह से ये एनारोब्स, ये है दैट एनारोब्स बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है। हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दैट इज लैक्टोबैसिलस। हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज अजोटोबैक्टर। हेल्प्स इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स। उसके बाद बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल्स, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक भी है, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया की यहाँ पर हम बात करेंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया कॉज डिसीज। जो बैक्टीरिया डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस बैक्टीरिया से डिसीज होता है उस बैक्टीरिया को बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज कौन से हैं, तो कॉलरा। ये जो कॉलरा नाम का डिसीज है, ये होता है विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से। उसके बाद डिसीज है टाइफाइड। ये जो डिसीज है, ये डिसीज होता है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। उसके बाद का डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस।
ये जो ट्यूबरकुलोसिस नाम का डिसीज़ है, तो ट्यूबरकुलोसिस नाम का डिसीज़ होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कौन से बैक्टीरिया से होता है ये? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और चौथा जो डिसीज़ है वो है टेटनस। चौथा डिसीज़ है टेटनस। तो ये जो टेटनस नाम का जो डिसीज़ है वो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनिस। क्लोस्ट्रिडियम टिटैनिस। तो बहुत सारे डिसीज़ हैं, तो बहुत सारे जो डिसीज़ है वो अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं। तो यहाँ पर और एक निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है निमोनिया। निमोनिया ये जो डिसीज़ है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है ये पूरे ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जिस बैक्टीरिया से ह्यूमन बीइंग को या फिर एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को डिसीज़ होते हैं वैसे बैक्टीरिया को बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया मैंने यहाँ पर ये डिसीज़ भी बता दिया है आपको कौन से डिसीज़ है और ये डिसीज़ कौन से बैक्टीरिया से होते वो बैक्टीरिया के मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिए हैं। कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस एंड निमोनिया और उनके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। जैसे कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, देन टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस इज़ कॉज्ड बाय इट इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी एंड निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो आज हमने यहाँ पर ये जो सेकंड बैक्टीरिया का टाइप था यू बैक्टीरिया वो हमने ख़त्म कर दिया और इस तरह से किंगडम मोनेरा अपना कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक इसका टॉपिक बचा है माइकोप्लाज्मा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।